मध्य प्रदेश के रीवा से खबर है, ट्रेलर और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। अनियंत्रित ट्रेलर बस्ती में घुसा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा बाईपास में एक बार फिर दो हैवी वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। घटना के बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर बस्ती में घुस गया। गनीमत रही कि कोई रहवासी इसकी चपेट में नहीं आया। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे चालक और खलासी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। विश्वविद्यालय थाने में पदस्थ एसआई संग्राम सिंह ने बताया कि लोगों ने बताया कि ट्रेलर चालक को झपकी आने की वजह से दोनों वाहनों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। चालक और खलासी अचेत अवस्था में थे। उनके होश में आने के बाद घटना के कारणों का खुलासा हो पाएगा। बुलेट रिपोर्टर के लिए संवाददाता पुष्पेंद्र गुप्ता हीरो की रिपोर्ट। अभी यहाँ इटौरा बाईपास के पास एक ट्रेलर और एक ट्रक जिसकी में एक एक्सकेवेटर लगा हुआ था यहाँ पे आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें ड्राइवर और खलासी को चोट लगी है, जिसे अस्पताल भेजा गया उपचार के लिए। ट्रेलर नीचे बस्ती में घुस गया, लेकिन कोई भी चोट या किसी भी इंसान को आहत होने की सूचना नहीं है। बाकी यातायात को फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। यातायात सुचारू है सर जी? बिल्कुल। और कोई समस्या किसी को? अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। बाकी सुबह भी और चीज़ें देखी जाएंगी। अभी कोई दुर्घटना तो अभी कोई दुर्घटना और नहीं हुई है। जब खलासी और ड्राइवर जो है उसको उपचार के लिए भेजा गया। ये दुर्घटना क्यों कैसे हुई सर? दुर्घटना के बारे में जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि शायद ट्रक का ड्राइवर जो है शायद नींद में था और देख नहीं पाया और आमने सामने की टक्कर हो गई इस कारण से। मतलब ट्रक का वो है कि वो जो ट्रेलर है उसका? दोनों में से हो सकता है कोई से भी। अभी तो हम लोगों ने अस्पताल के पहुंचा दिया है, जैसे ही वो होश आएगा तो कहानी समझ में आएगी। जी सर, आपका शुभ नाम और पद नाम? मैं सब इंस्पेक्टर संग्राम सिंह हूँ, थाना विश्वविद्यालय पदस्थ। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।